निशा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। कृपा हे मेरे भगवन, मुझ दीन पर होवे। कृपा हे मेरे भगवन, मुझ दीन पर होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं, वर्षा से जैसे टीले पर्वत के धुल रहे हैं। भूल जाए मैल मेरी, फिर पवित्र होवे। भूल जाए मैल मेरी, हृदय पवित्र होवे। हृदय पवित्र होवे, वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, दीन पर होवे। कृपा हे मेरे भगवन, मुझ दीन पर होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। पर्वत सब लहलहा रहे हैं, सब जी से जैसे पर्वत सब लहलहा रहे हैं। अंकुर धर्म के फूटे सरसब्ज ही तहो धर्म के पूरे सर सब्ज होवे। सर सब्ज होवे, वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की होवे। वर्षा मेरे हृदय तेरे की होवे। कृपा हे मेरे भगवन, मुझ दीन पर होवे। कृपा हे मेरे भगवन, मुझ दीन पर होवे। वर्षा मेरे हृदय पर, अमृत तेरे की।
भरपूर यह चमन हो, हृदय का रस से तेरे भरपूर यह चमन हो, हृदय का रस से तेरे हो फूल फल जो इसके No.
उनके रोगों उसके पतन वो कुसुर को दिखाते हो। इसके भिन्न उन्हें आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, सत्य धर्म व देव धर्म का बोध प्रदान करते हो। आप कैसे महान कल्याणकारी परम हितकारी दयालु रूप को सन्मुख लाकर हम अति तुच्छ आत्माएं आपके पावन पवित्र श्री चरणों में दीनता पूर्वक बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम पूजनीय सदगुरु, आपके भीतर देव ज्योति के भिन्न देव तेज का भी प्रकाश हुआ है। आप अपने देव तेज के द्वारा मनुष्य आत्माओं के नीच रागों नीच घृणाओं को नष्ट व दमन करके उनके अंदर उच्च भाव उच्च राग जागृत व विकसित करके उनका उच्च जीवन में विकास साधन करते हैं। आपके ऐसे महान कल्याणकारी आदुतीय धर्म रूप को सन्मुख लाकर हम अति तुच्छ आत्माएं आपके पावन पवित्र श्री चरणों में दीनता पूर्वक बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं। इस समय हम परम पूजनीय भगवान देवात्मा के संबंध में विशेष दिन की सभा कराने जा रहे हैं, जिसका विषय है देव जीवनधारी देवात्मा। पहले एक भजन होगा जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा का स्वयं रचित भजन है। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे। हम तो ऐसे गाएंगे, लेकिन असली जो भजन है वो है कि परम लक्ष्य मम पूर्ण होवे, जीवन व्रत मम पूर्ण होवे। कि पूजनीय भगवान ने जो उनका परम लक्ष्य था उसके संबंध में ये भजन बनाया हुआ है। उसका मतलब है कि मेरा परम लक्ष्य पूर्ण होवे। अब पूजनीय भगवान तो है नहीं, इसलिए हम गाएंगे कि परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे। और ये भजन जो है ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा स्वयं सुबह गाया करते थे। तो फिर जो वहाँ इन्वायरमेंट बढ़ता था, जो प्रभावशाली एक औरा उनके जीवन में था, वो चारों ओर विकसित होता था और दुनिया का नया रूप चाहते थे वो, उसकी रूपरेखा यहाँ है। तो आप इस भजन के साथ योग करें और उसके बाद मैं कुछ अर्ज करूँगा। दुनिया पा
देवराज इस जग में आवे, राज सत का जग में आवे, देवराज इस जग में आवे, राज सत का जग में आवे। जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वह सब आवे, जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वह सब आवे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। मिथ्यापन विश्वास से जावे, मिथ्यापन साधन से जावे, मिथ्यापन विश्वास से जावे, मिथ्यापन साधन से जावे, मिथ्यापन बर्ताव से जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे, मिथ्यापन बर्ताव से जावे, मिथ्या मूलक भय दुख जावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। नीच राग और नीच घृणा जो मानव जग से सब क्षय पावे, नीच राग और नीच घृणा से मानव जग से सब क्षय पावे, कुछ राग और कुछ घृणा जो मानव जग में विकसित होवे, उच्च राग और उच्च घृणा जो मानव जग में विकसित हो। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। जो कुछ पवित्र वह सब आवे, जो कुछ मलिन सभी वह पावे, जो कुछ पवित्र वह सब आवे, जो कुछ मलिन सभी वह पावे। जग में कुछ शांति आवे, जो कुछ कुत्सित वह क्षय पावे, जग में कुछ शांति आवे, जो कुछ कुत्सित वह क्षय पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूर्ण होवे, जीवन व्रत गुरु पूर्ण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। न्याय सकल जो विकसित होवे, जो अन्याय सभी मिट जावे, न्याय सकल जो विकसित होवे, जो अन्याय सभी मिट जावे,
कुछ सुनियम वह सब आवे, जो कुछ अनियम वह क्षय पावे, जो कुछ सुनियम वह सब आवे, जो कुछ अनियम वह क्षय पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। सुश्रृंखला जो वह सब आवे, विश्रृंखला सब ही मिट जावे, सब आवे विश्रृंखला सब ही मिट जावे। जग में ऊंच शांति आवे, नीच कलह सब ही क्षय पावे, जग में ऊंच शांति आवे, नीच कलह सब ही क्षय पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह बोध आत्मिक हित का होवे, नीच सुखों पर वह जय पावे, बोध आत्मिक हित का होवे, नीच सुखों पर वह जय पावे। धैन मीन जहाँ जग तुम, शुभ कर मीन वहाँ सब आवे, धैन मीन जहाँ जग तुम, शुभ कर मीन वहाँ सब आवे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। परम लक्ष्य गुरु पूरण होवे, जीवन व्रत गुरु पूरण होवे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे, नया जन्म यह दुनिया पावे, नया रूप यह दुनिया पावे। ये पीछे तक हाथ खड़ा कीजिए, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के नगर श्री अकबरपुर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ कि जो नए किस्म की गठन लेकर उत्पन्न हुए थे। शरीर तो उनका जैसे हमारा है वैसे ही था, वैसे ही पढ़े, वैसे ही खाते रहे, वैसे ही और काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे नेचर के विकास क्रम में उनको एक ऐसा रूप प्राप्त हुआ जो मेरा इस समय विषय है कि देव जीवनधारी देव आत्मा। कि देव जीवनधारी की बात आज हम करेंगे, तो इससे पहले पूज्य भगवान ने ये फरमाया है कि हमारे इस देव जीवन को कौन समझ सकता है। कहते हैं हमारे हमें समझने से पहले आपको विकासवाद समझना होगा। ये कभी नहीं किसी ने कहा क्या, वो लीशरी प्रोसेस जो है विश्व का, इसका आपको सत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अगर आपको विकासकारी नियम का सत ज्ञान नहीं है तो पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि आप मुझे समझ ही नहीं सकते, मेरे रूप को जान ही नहीं सकते। और दूसरी बात यह कही
कि हमें वो जान सकता है, हमारे रूप को वो फॉलो कर सकता है कि जो साइंटिफिक टेंपर रखता हो, विज्ञान मूलक मनोवृत्ति हो जिसकी। ये दो कंडीशंस हैं। और उसके बाद लिखा है कि ये जो हमारा जो उन्होंने खोज की है, ये हर कौम के लिए है, हर नस्ल के लिए है, हर जात के लिए, अधिकारी आत्माओं के लिए है। अधिकारी आत्माओं का जिक्र देव समाज में बहुत होता है। इकबाल का एक शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, हीरा बहुत सबसे ज़्यादा जो सख्त मेटल है वो हीरा है। इकबाल कहता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजक बेअसर। वो कहता है ये तो संभव हो सकता है, इकबाल कहता है कि फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट जाए, लेकिन जो अनधिकारी लोग होते हैं उनके ऊपर कोई नरम नाजक कोई बात जो है वो असर नहीं करती। इसको कहते हैं पूज्य भगवान का अधिकारी आत्मा हूँ वो जाने। और पूज्य भगवान ने फरमाया है कि हम यहाँ से इस दुनिया से अज्ञात जा रहे हैं, हमें किसी ने पहचाना ही नहीं है। लोगों ने कहा है कि हमें तो जैसे आइंस्टाइन थे, उनका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके मतलब ये उन दिनों और आजकल भी लोग मानते थे कि दुनिया में सिर्फ 6 आदमी उसका उनका नॉलेज का उसका नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। 6 आदमी थे, करोड़ों की गिनती थी। जो नया फलसफा उन्होंने दिया था, नई सोच उन्होंने दी थी, उसको सिर्फ 6 आदमी जान सकते हैं। पूज्य भगवान ने फरमाया है मुझे एक भी आदमी नहीं मिला, एक आदमी नहीं मिला जो पूर्ण रूप से मेरा मैं उसको मेल की हाथ में रह सकता। तो ये बड़े आदमियों की वैसे ये प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको जानने वाले बहुत देर बाद आए हैं। परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने भी फरमाया है कि हमारी डेथ के बाद, परलोक गमन के बाद, सैकड़ों सालों के बाद खोजी पैदा होंगे जो हमें जान सकेंगे और हमारा जो मिशन है इसको आगे ले जा सकेंगे। तो आइंस्टाइन की मैंने बात की है तो उसने उसका थोड़ा सा उसकी भी एक ओपिनियंस हैं और उसकी आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ जब उम्र बढ़ती है तो साथ साथ कुछ लाती भी है। अकेला तो आदमी ना था ना रहेगा। तो उन्होंने ये भी गौर से सुने कि वो आदमी कहता क्या है जिसको 6 आदमी उसके थ्योरी को जानते थे कि जो अर्दश सदा मेरे सामने चमकते रहे हैं, आइडियल जो आदर्श कहते मेरे सामने चमकते रहे हैं, एक आदमी भी नहीं बाहर से मिलेगा ऐसा ऐसे लिखने वाला। ये उसको उससे मैंने लिखा हुआ है जो ओपिनियन है उसकी आइडियल है कि जो आदर्श सदा मेरे सामने चमकते रहे हैं वो है सच्चाई, भलाई और सौंदर्य, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस। पूज्य भगवान ने ये अपना जो जीवन व्रत ग्रहण किया उसका यही शब्द थे कि साक्ष्य सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जाग के उपकार में ही जीवन ये जाए। आराम और सुख से जीने का लक्ष्य बनाना कभी मेरे दिल को नहीं भाया, ऐसे तुच्छ आधार पर बनाई गई जीवन की प्रणाली व दृष्टिकोण केवल पशुओं के रेवड़ के लिए ही काफी हो सकता है। क्या लिखता है आइंस्टाइन, ये तो पशुओं के लिए ही हो सकता, मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। मैं बंदोबस्त तो कर गया था कई कुछ खा पी के, लेकिन सॉरी
पशुओं के रेवड़ के लिए काफ़ी हो सकता है। बचपन से ही हम भी अपना बचपन देख लें, दुनिया भी अपना बचपन देख ले कि बचपन से ही मुझे इन तुच्छ और साधारण सीमाओं से घृणा रही है, जिन सीमाओं में मनुष्य के जीवन को जकड़ दिया जाता है। कौन सी सीमाएं हैं जिसकी बात आइंस्टाइन कर रहे हैं? अर्थात संसारिक पदार्थों की प्राप्ति हमारी प्रॉब्लम ये आई खड़ी है आजकल कि हमें संसारिक पदार्थों की भूख नहीं रही, उनकी भूख हमें बहुत है। इसलिए जहां संसारिक पदार्थों की भूख है वहां सत ज्ञान की भूख होती ही नहीं है। ये भी समझने वाली बात है, यानी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति, बैरूनी कामयाबी, यही हम चाहते हैं, शोहरत और ऐश आराम वगैरह। मैं इन बातों को बहुत तुच्छ समझता रहा हूँ। ये दुनिया का आज का भी सबसे बिगेस्ट जो सोच वाला ब्रेन है वो कह रहा है, आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके हम पता कोई वैज्ञानिक दावा नहीं कर सका। मेरा विश्वास है, अभी हम अपना लें कुछ, मेरा ये विश्वास है कि एक सादा बनावट और दिखावे से मुक्त जीवन ही प्रत्येक जन के शरीर और उसके मन के लिए हितकर है। दूसरों से हमदर्दी या प्रशंसा ना मिलने का मुझे कभी दुख नहीं होता। क्या एक पैगंबर था ये तो जो कुछ लिख रहा है? दूसरों से हमदर्दी या प्रशंसा ना मिलने का मुझे कभी दुख नहीं होता। ऐसे बदलते हुए आधारों पर मन की शांति की बुनियादें रखना मुझे कभी आकृष्ट नहीं करता। मनुष्य इस पृथ्वी पर इसलिए है कि वो दूसरों के लिए जिए और सबसे बढ़कर उनके लिए जिए कि जिनकी किस्मत या भाग के साथ हम हमदर्दी के सूत्रों से जुड़े हुए हैं। दिन में अनेक बार मैं महसूस करता हूं कि मेरा अंदरूनी और बैरूनी सब कुछ साथ ही मनुष्यों की ही मेहनतों का फल है। अरे ये कृतज्ञता की बातें हैं, ये भावों की बातें हैं, कृतज्ञता से ये बात समझ आती है, वरना मनुष्य कहता है सारी दुनिया मेरे के लिए, वो तो अपने सुख से बाहर निकलता ही नहीं है। अभी पूज्य भगवान ने कहा ना, बहुत अरसा लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, ये तो हमें अभी 20 लाख साल हुए हैं पशुओं से लैदा हुए। अब अगर विकासवाद की समझनी, ये 20 साल की बात भी समझनी, जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन को मानते हैं उनको ये बात नहीं समझ आ सकती। ऐसे बदलते हुए दूसरों के लिए और सबसे बढ़कर उनके लिए जिए कि जिनकी किस्मत या भाग के साथ हम हमदर्दी के सूत्रों से जुड़े हुए हैं। दिन में अनेक बार मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा अंदरूनी और बैरूनी सब कुछ साथी मनुष्यों की ही मेहनतों का फल है। वो चाहे जीवित हों या वो मर चुके हों, और जितना मैंने उनसे पाया है उतना ही वापस करने के लिए मुझे कितना मसरूफ रहना चाहिए मेरे मन की शांति बहुत बार इस बात से भंग हो जाती है। माफ करना जरा, मुझे भंग हो जाती है कि मैंने दीगर मनुष्यों से कहते आ खा लो तो मुँह छोगे तो बोलो कि दीगर मनुष्य कि इस बात से भंग हो जाती है कि मैंने दीगर मनुष्यों से बहुत अधिक प्राप्त किया है। ये आइंस्टाइन की बात है, तो मैंने पूज्य भगवान का देव जीवन की बात करनी है। पूज्य भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जो है वो उसको भाव चलाते हैं,
कौन चलाता है मनुष्य को। कालगनीज ने भी अपने लेक्चर में ये बताया था कि मनुष्य को उसके उसका इनहेरिटेंस जो है और जो एनवायरनमेंट है उससे बनता है, तो उसको भाव चलाते हैं। पूज्य भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य को उसको भाव चलाते हैं। इन भाव शक्तियों की हमें थोड़ी सी समझ चाहिए, ये भाव होते क्या हैं। हमने कहा ना नई टर्मिनोलॉजी है देव समाज की, लेकिन मैं इसको बहुत आसान बना के आपसे के सामने पेश करूंगा कि ये मनुष्य को उसके भाव शक्तियाँ चलाती हैं। भाव शक्तियाँ क्या होती हैं, हम मनुष्य को मनुष्य के स्वभाव को जानना होगा। हम 6 अरब की आबादी है, 6 अरब की आबादी में हर मनुष्य दूसरे से भिन्न है, मुख्तलिफ है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव जो है उसके अनुसार हम सब एक हैं। हम सुखमय जीवन चाहते हैं। आप में चाहता है को हाथ खड़ा कर सकता है कि मैं सुखमय जीवन नहीं चाहता। हम सुखमय जीवन चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। ये मनुष्य का बेसिक स्वभाव है जिससे सारे फलसफे निकले हैं, जिससे सारे धर्म निकले हैं, जिससे सारी दौड़ धूप जो हो रही हमारी हो रही है वो इसी स्वभाव का नतीजा है। लेकिन ये भाव शक्ति का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है इनकी, उसको समझना बहुत है। ये भाव शक्तियाँ जो होती हैं ये तृप्ति चाहती हैं। जैसे एक भाव शक्ति की बात करता हूँ, स्वाद का अनुराग जो हमारी भाव शक्ति में आता है। जब हम पैदा होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें स्वाददार लगती है, कुछ चीज़ें हमें स्वाददार नहीं लगती। जो स्वाददार चीज़ें लगती हैं उसकी क्रिया करते करते हम स्वाद अनुरागी बन जाते हैं और स्वाद अनुराग की क्रिया के साथ बंध जाते हैं, उसके पक्षपाती हो जाते हैं, उसके खिलाफ बात नहीं सुनना चाहते। ये तो अकेले स्वाद अनुराग की है। अगर आप देव समाज की ये भावों की बातें पढ़ना चाहें, ग्रंथ जो है वो ज्ञान मूलक लिखा हुआ है, देवशास्त्र 3रा खंड पढ़ के देखें, भावों का सारा विस्तार है। मनुष्य को भाव चलाते हैं, भाव शक्तिमय होते हैं, भाव अपनी तृप्ति चाहते हैं, वो तृप्ति किए बगैर नहीं रह सकते, वो अपनी तृप्ति झूठ के द्वारा भी करते हैं। उसमें नुक्स ये है, हम उस सीमा को लांघ जाते हैं जहां हमारा भाव जो है वो मिथ्या शुभ की जो मनोवृत्ति है वो उसमें पैदा हो जाती है और हमारा सारा जो लक्ष्य है वो पथभ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा लग जाए वो सत शिव सुंदर है, ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस है, इसी लक्ष्य के लिए अगर जिएंगे तो फिर गुरु मार्ग की समझ आ सकती है, नहीं तो आती नहीं। इसलिए हम ये जो भाव शक्ति हैं ये डायरेक्ट या अनडायरेक्ट ये अपनी तृप्ति करा लेते हैं। ये तो बड़ी अगर हम अपने स्वभाव को जानते हों तो हम ज़्यादा उलझनों में नहीं पाते। हम अपना तमाशा देखते रहते हैं कि हम क्या करते क्या है, किधर को जाते हैं, और ये अपनी तृप्ति किए बगैर नहीं रह सकते। और शेख चिल्ली की बात आपने सुनी है, शेख चिल्ली ये वैसे ईरान की ये कहावत है, कहानी है कि एक आदमी था वो बाज़ार में गया, उसको घी चाहिए था, तो उसने 5-6 शेर उसने घी लेना था, उसने घी लिया तो उसको एक आदमी की ज़रूरत थी जो उसको उठाकर वो मिट्टी के बर्तन में होते थे कि उसके घर तक छोड़ आए। तो उसने शेख चिल्ली से पूछा कि कितने पैसे लोगे, वो फिर रहा था मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। उसने कहा कि 1 रुपया दे देना आज का। उसने कहा ठीक है 1 रुपया ले लेना, तो सिर के ऊपर उसने रख लिया। अब शेख चिल्ली डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करने लगा, उसने सोचा कि ये जो घी है इसका मुझे 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपये की मैं अंडे लूँगा, अंडों से बच्चे निकलेंगे और बच्चों से भी मुर्गियाँ बनेंगी, फिर और बनेंगी, इस तरह बहुत बड़ा मुर्गी खाना बन जाएगा और मैं जो है अमीर बन जाऊँगा। जब को अमीर बन जाए फिर सबसे पहले भाव कौन सा चलता है,
अब शादी करेंगे, शादी तो करनी भी करनी चाहिए, शादी को खराब बात नहीं है, पूजनी भगवान ने भी शादी की है, शादी खराब नहीं है, नीच भाव से शादी करनी खराब है, नीच भाव से ये संबंध नरकमय बन जाता है, इसलिए शेख चिल्ली ने कोई खराब बात नहीं की और उसने कहा मैं शादी करूंगा, मेरे फिर बच्चे भी हो जाएंगे, मेरी पत्नी होगी और फिर मैं एक दिन मेरी पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, ये स्वाभाविक है, पति पत्नी से लड़ाई हो जाना कोई ये स्वभाव में ही है हमारे, तो लड़ाई हो जाएगी तो वो मैं रूठ जाऊंगा, कहता अब चला जा रहा था और अपने भाव की तृप्ति भी करता जा रहा था, परिवार बना लिया अपनी कल्पना में और पत्नी से लड़ भी पड़ा कल्पना में, और कहता पत्नी मुझे मनाएगी तो मैं ऐसे सिर मारूंगा, तो सिर मारा तो घी जो था वो जमीन पे गिर गया। उसने कहा अरे शेख चिल्ली तूने मेरा सारा घी खराब कर दिया। कहता तुम्हें घी की पड़ी है, यहाँ कुनबाई मेरा खराब हो गया। ये भाव हमारे अनडायरेक्टली करते हैं सारा कुछ। हमारे एक साथी थे वो फौज में भर्ती थे, उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प घटना सुनाई। कहते मेरे दिल में था, सिपाही थे और एक कैप्टन के साथ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उसने कहा कि मैं मेरे दिल में आया कि एक दिन इसकी यूनिफार्म जो है कैप्टन की ये मैं वैसे तो पाए मैं डाल नहीं सकता, ये तो मैं तो सिपाही हूँ, कब कैप्टन बनूँ, बन भी नहीं सकता। तो उसने का सोचा कि जब कैप्टन चला जाएगा तो इसकी यूनिफार्म मैं ही प्रेस करा के लाता हूँ, तो मैं इसकी प्रेस की हुई यूनिफार्म पा के शीशे के आगे खड़ा होकर देख लूँगा तो थोड़ी देर के लिए कैप्टन बन जाऊँगा। तो कहते मैं वो शीशे के आगे खड़ा था, पीछे से कैप्टन आ गया। वो कहता अरे हेमराज तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो। कहते साहब मुझे निकाल ना देना, थोड़े वक्त के लिए कैप्टन बनना चाहता था। तो स्वभाव हमारा ये है, इसलिए हम जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जानते तब तक हम गुरु महाराज को भी नहीं समझ मारी आती। और गुरु महाराज कहते हम हमारे पास रोशनी है, हमारे पास शक्ति है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे तुम अगर हमारे साथ जुड़ोगे। इसलिए वो जो नए किस्म का रूप लेकर आए उसके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। और हमारा स्वभाव तो जो सुख में आकर्षण थे दुखों के लिए आकर्षण था, और ये स्वभाव हमें चलाता चला गया। इसलिए धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारा रूप भी बड़ा भयानक बन जाता है कई हालतों में। तो पूज्य भगवान ने जो बातें कही हैं वो भिन्न किस्म की कही हैं। उन्होंने फरमाया है कि मनुष्य सुखों के लिए आकर्षण रखता है, दुखों के लिए आकर्षण रखता है, और ये फरमाया अगर तुम मुझसे जुड़ो और तुम कुछ भी अधिकारी हो तो तुम्हारे जीवन में असाधारण परिवर्तन आएंगे और तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा सारा रूप ही बदल जाएगा। अब हम वो तो चाहते नहीं हैं, परिवर्तन तो हम जल्दी जल्दी नहीं चाहते, अब परिवर्तन हम वही चाहते हैं जिसमें हमें सुख मिलता है, जिस परिवर्तन में सुख नहीं मिलता वो नहीं हम करना चाहते। ये हमारा बेसिक जो है वो स्वभाव ये है। इसलिए पूज्य भगवान ने जब फरमाया कि हम तो अकेले हैं दुनिया में, अकेले रह गए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी गठन लिखी है। ये आप दुनिया में दुनिया भर की बायोग्राफीज पढ़ लें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लें, किसी महान आत्मा ने आज तक अपने आत्मा की गठन नहीं लिखी, पूज्य भगवान ने गठन लिखी है कि हमारे अंदर सत कामराग पैदा हुआ, हमारे अंदर शुभ कामराग पैदा हुआ, और हमारे अंदर जो सत कामराग है उसके ये अंग है। हम सत अनुराग को आम भाषा में लोग कहते हैं सच बोलना, कि हम सच बोलते हैं। पूज्य भगवान ने फरमाया ये सत स्पष्ट कथन राग जो है, कहते अनुराग है हमारे अंदर। अब मनुष्य को जब अनुराग चलाते हैं तो फिर वो काबू नहीं आता किसी के। पूज्य भगवान ने कहा हमारे अंदर ये साधारण बोध नहीं है, हमारे अंदर सत भाषण अनुराग पैदा हो गया, हमारे अंदर सतगत स्पष्ट कथन अनुराग पैदा हो गया, हमारे अंदर सत ज्ञान लाभ करने का अनुराग पैदा हो गया, हमारे अंदर सत ग्रहण का अनुराग पैदा हो गया, हमारे अंदर सत प्रतिज्ञा पालन का अनुराग पैदा हो गया।
इसलिए कहते हम भिन्न होते चले गए। हम हमारे ये प्रचालक शक्तियाँ थी, जैसे हमारी भी प्रचालक शक्ति है, हमारी स्वाद अनुराग प्रचालक शक्ति है, धन का अनुराग प्रचालक शक्ति है, संतान का अनुराग प्रचालक शक्ति है, माँ बाप के अंदर अनकंडीशनल प्यार होता है उसकी शक्ति होती है। तो ये शक्तियों का ही खेल है सारा, जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ को हरकत भी नहीं है। तो ये शक्तियाँ जो थी वो पूज्य भगवान ने लिखी है, और फिर उनका जो उनके जीवन से जो कुछ निकला है उसका वर्णन उसमें किया है। अब जो सत भाषण अनुराग है, ये पूज्य भगवान जब दुनिया में गए तो उन्होंने देखा कि झूठ की दुनिया बहुत फैली हुई है, मिथ्या की दुनिया चारों तरफ फैली हुई है। वो कहते मैं विचलित हो गया, मैं बेकरार में हो गया, मेरी रात की नींद चली गई कि ये दुनिया इतना झूठ दुनिया में, इतनी बुराई दुनिया में। ये दो बातों से आज तक कोई नहीं हुआ कि इतनी झूठ है, इतनी बुराई है। कहते हैं कि मैं बेबस हो गया और मैंने एक नया जीवन व्रत ग्रहण किया लाहौर में 20 दिसंबर 1882 को, एक सभा की लाहौर में बहुत बड़ी, जिसमें पूज्य भगवान ने फरमाया सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जाके उपकार में ही जीवन ये जाए, ये जीवन व्रत ग्रहण कर लिए। और लोग जो थे इर्द गिर्द वो झूठ ही झूठ था, वो बुराई बुराई बड़ी थी, बहुत बुराई थी। अगर बुराई ना होती हमारा, हम 20 लाख साल में तो कब के कब देवते बन जाते सारे। हमें पुलिस की क्यों जरूरत पड़ती है, हमें मिलिट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? हम अपना बजट जो है हमारा शिक्षा के ऊपर उतना नहीं है जितना ये एक एक हवाई जहाज खरीदते हैं जो बम्बारमेंट करता है। तो वो हमारा हार क्या है, वो हमारा स्वभाव से देखें हो क्या रहा है चारों तरफ। तो बुजुर्ग भगवान का सत भाषण अनुराग, एक ही बात बताता हूँ। तो बुजुर्ग भगवान के ने जब धीरे धीरे, बुजुर्ग भगवान कोई सर्वज्ञानी नहीं थे, ना है ना को हो सकता है। पूज्य भगवान ने ये बताया है कि अभ्रांत पद किसी के लिए संभव नहीं है, भ्रांति के लिए, भ्रांति से ऊपर होना किसी के लिए भी नेचर में संभव नहीं है। वो तो धीरे धीरे भ्रांत, जो सात अनुरागी होता है उसकी भ्रांतियाँ जल्दी चली जाती हैं, जो मिथ्या और शुभ के अनुरागी होते हैं उनकी वो भ्रांति उन्हें सुख मिलने लग जाता है। तो पूज्य भगवान ने वो सारे देवी देवताओं को मानते थे, सारा कुछ ही करते थे, धीरे धीरे जो जो हालात बदलते चले गए उनका स्वभाव अलहदा होता चला गया। कहते मैं, मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेला होता जा रहा हूँ, अकेला रहना मुश्किल बड़ा है, बहुत मुश्किल है अकेला रहना। कहते मैं अकेला रह गया, मैं जिस रास्ते पे चलता था कोई मुझे साथी नहीं मिला, कोई मुझे मेरा साथ देने के लिए न बना। और उसी की स्थापना के लिए पूज्य भगवान ने देव समाज की स्थापना की। पूज्य भगवान ने जब ईश्वर का विश्वास छोड़ दिया तो मिथ्या से इतनी घृणा थी जबरदस्त, उन्होंने फरमाया कि सत के पथ पे चलते हुए, ये फिक्र उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि सत के पथ पे चलते हुए अगर मेरी आत्मा का भी सर्वनाश हो जाए, हमें ये भी कबूल है क्योंकि हम अनुरागी तो सत के हैं, अगर नहीं जी सकते फिर ना से जाएंगे इसी पथ के ऊपर। और जिस दिन पूज्य भगवान ने ये बुक्स कुछ पढ़ी, लोगों ने पढ़ी और उन्हें पढ़ी, वहाँ ठहरे हुए थे एक बहुत महान आत्मा के यहाँ, टैगोर जो है हमारे महान कवि, उनके श्रद्धे पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके यहाँ ठहरे हुए थे। वहाँ एक किताब आई, उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, ऋषि जी उनको कहते थे राज ऋषि जी, उन्होंने कहा ये मेरे किसी काम के नहीं, वो तो ईश्वर भगत थे। पूज्य भगवान कहते हैं मेरे अंदर एक चिंता चली, मैं लाहौर में आया, मैंने वो किताब मंगाई, मेरे अंदर चिंता चली कि मैं जिसको ईश्वर समझता हूँ वो मैन मेड बनाया हुआ है, इंसान ने उसको बनाया है। कहते हैं लेकर मैंने साधनाओं के द्वारा उसको, पूज्य भगवान जब ईश्वर के संबंध में सभाएं कराते थे लाहौर में, 35 से 40 हज़ार लोग उसमें शामिल होते थे। और ऋषि जी महाराज ने उन्हें कहा था कि पंडित जी यू आर नानक ऑफ दी पंजाब, तुम तो नानक हो पंजाब के, तुमने तो इतने लोगों को ईश्वर भक्त बना दिया, तुम्हारी जबान में बड़ी तासीर है, बहुत बड़े ओरेटर थे,
दुनिया में शायद ही कोई ओरेटर नहीं था, ओरेटर तो थे लेकिन उनके विषय वो नहीं थे जो गुरु महाराज का था। तो वो जब वो पता लगा तो कहते हैं कि मेरा पांव तले से जमीन निकल गई। अरे कोई विश्वास हो, खुद छोड़ रहे थे, किसी ने कहा नहीं, खुद छोड़ रहे थे, और वो डामाडोल हो जाए, कहते पांव से जमीन निकल गई। और दो एक साल लगा कहते मेरे वो जो मैंने मेरे अंदर विश्वास था उसके ऊपर मेरे साथ तुम रख के कुल्हाड़े चलते रहे, खींचते वो खत्म हो गया। फिर किया क्या, अब ये बात समझने वाली है। और को होता उन्होंने किताबें लिखी थी, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि हमने ईश्वर के संबंध में कितनी किताबें लिखी हैं। उनका महाराज आपने 80 किताबें लिखी हैं, 80 लिखी हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है। तो बुज भगवान ने फरमाया इनको जला दिया जाए, ये लाहौर की बात है। सारे नॉर्दर्न इंडिया में तो हल्का मचा हुआ था कि ये आदमी क्या है, ये ठहरते नहीं है किसी बात के ऊपर, और किताबें जलाने की आज्ञा दे दी। तो बुज भगवान ने फरमाया उन्होंने जो उनके सेक्रेटरी थे का महाराज बहुत बिक्री इनकी होती है। तो गुरु महाराज के कहने का मतलब ये था कि हम झूठ नहीं बेचेंगे। और उनको कहा इनको जला दो। और वहाँ लिखा हुआ है अपने जीवनी में कि जैसे एक माँ को दर्दों के बाद बच्चा पैदा होता बहुत प्यारा होता है, वैसे ये काथर को अपनी जो लेखनी होती है उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है। आज मैं सत की जय के लिए अपने इस ये जो किताबें हैं, बच्चे हैं मेरे, इनकी मैं बलि दे रहा हूँ। और कहते 3 दिन तक वो बच्चे सामने जलते रहे और सत की जय हुई। आपने लाल लाजपत राय का नाम सुना हुआ होगा, पढ़ा भी होगा, शेर पंजाब उन्हें कहते थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी थे, वो पूज्य भगवान के स्टूडेंट थे। जब उन्होंने लाहौर में कुछ अर्सा पढ़ाया तो उनको लगा कि मेरे जो गुरु हैं उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आई खड़ी है कि लोग उनके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं, 9 मुकदमे किए, गोलियाँ चल रही हैं। तो वो सोलन आए हुए थे तो उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं तो महाराज का उनको फेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक सलाह है जो उन तक पहुंचा देना। क्या सलाह बता, पहुंचा देना कि आप ये ऐलान कर दें कि जिसको आप मैं नेचर कहता हूं वो वही है जिसको तुम ईश्वर कहते हो। नेचर और ईश्वर एक बात है। जब पूज्य भगवान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने फरमाया हम अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके लिए जो भी कीमत होगी हम अदा करेंगे। ये बुज भगवान का मैं बता रहा था। और लाजपत राय कौन थे, लाजपत राय जिन्होंने सलाह दी थी उन्होंने अपनी डेथ से पहले, मैंने छापा हुआ उनका, अपनी डेथ से 4 दिन पहले जेडी बिरला को पत्र लिखा कि ये मेरा पत्र जो है मेरे मरने के 4 दिन बाद छापना। जेडी बिरला बहुत बड़े अपने अमीर आदमी थे, आजकल भी हैं, बिरला हाउस तो बिग हाउसेस है। तो उसमें क्या लिखा था उन्होंने, उन्होंने लिखा मैं ईश्वर को नहीं मानता लेकिन मैं ये लिख नहीं सकता था, मैं बरादरी मेरी भी उससे दूर हो जाती, मैं उसको जीता कैसे। जानते थे कि नहीं है, बहुत आर्टिकल लिखा हुआ कि ये जो दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, ये इतना जो कत्लेआम हो रहा है, स्त्रियों को जितनी विपत्ति हो रही है, क्या ये कोई दयालु ईश्वर हो सकता है। ये गुरु महाराज की लॉजिक तो लाजपत राय की यही थी, यही उन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने छापा है। तो इसलिए पूज्य भगवान के लिए सोचना और फिर करना एक ही बात थी, जो बात सोचते थे वही करते थे, जो फिर करते थे उससे किसी से कोई वो डर का नहीं था, कोई भय नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए कहते थे कि हम तो हमारे लिए सच्चाई जो है वो जीवत है, जीवत शरीर की तरह है। 16 मिनट के ऊपर मुकदमा था, कुछ थोड़ी बातें बताऊंगा। उनको राणा साहब की कोर्ट थी, उसमें मुकदमा चल रहा था, पूज्य भगवान की उन्होंने जो विरोधी थे उनकी गवाही रख दी। तो गुरु महाराज वहाँ शरदेशमन गुरुवंत सिंह जी उन दिनों उनकी सेवा में थे, उन्होंने सेवा सुबह गुरु महाराज से अर्ज की महाराज आप सारी रात सोए क्यों नहीं, आप हाय हाय करते फिरे, कभी इधर को घूमते थे कभी उधर को घूमते थे, महाराज आपको तकलीफ हो गई। तो पूज्य भगवान ने फरमाया गुरुवंत सिंह उनकी उंगली पकड़ी, ये तुम्हारी उंगली है, कहते हाँ महाराज, अगर इसके ऊपर कोई छुरी चलाए
कहते जी बड़ी दर्द हो गई। कहते ये सत जो है हमारे लिए जीवित शरीर की मानद है। कल को राणा साहब की कोर्ट में जो सत के ऊपर प्रहार होगा वो हमें कल्पना में भी लग रहा है, हमारी हमारा गला कटेगा वहां हमारे सामने। कोर्टों में क्या होता है आमतौर पे, होता क्या है? कहते वो ऐसे कैसे होगा, इसलिए गुरंत सिंह हम सो नहीं सके, क्या कर रहे, ये स्वभाव था। इसलिए कहते हमें देव जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसा जीवन जो विश्व इतिहास में कोई दावा ही नहीं कर सकता। कहते हैं कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला, जिसको जान लिया ये झूठ है फिर हमने कभी नहीं बोला। झूठ क्या होता, नेचर की घटनाओं की गलत व्याख्या को झूठ कहते। ये नोट कर ले मेरी बात, नेचर के अस्तित्वों की, नेचर की घटनाओं की गलत व्याख्या को झूठ कहते। फर्ज करो मैं सिनेमे में गया हूं तो मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, मैं कह दूं कि मैं तो वहां गया था और काम के लिए, सिनेमा नहीं बताता। घटनाओं की गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप गए वहां हैं लेकिन कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं गया, मैंने सिनेमा नहीं देखा। इसलिए हम तो कदम कदम के ऊपर झूठ बोलते, 90 मैं कहता हूं 60% झूठ हम ऐसा बोलते हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बहुत जो मेरे नजदीकी होते हैं उनको झूठ मत बोल, ये नहीं 100% ही झूठ से निकलना मनुष्य के लिए गुरु महाराज की प्रभावों के बगैर संभव नहीं है। पूज्य भगवान तो दूसरों के लिए जो सेवाएं करते थे, जो आर्टिकल लिखते थे, उसके लिए उनका जो उन्होंने लिखा है, मैं तो अपने शरीर को राणा प्रताप की तरह चलाया है, किसी ने लिखा है अपनी बायोग्राफी में घटनाओं में कि मेरा शरीर राणा प्रताप का घोड़ा था, मैंने इसको तब तक हांका है जब तक ये मर नहीं जाता। कहते मैं वहां तक काम करता हूं जहां तक मैं मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता था, और वो कहते थे मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मुझे पकड़ के हटाते क्यों नहीं है, मुझे रोकते क्यों नहीं है। वो मैंने दिया जीवन पथ में जो आर्टिकल लिखा है, मानेश्वर ईश्वर सिंह जी यहाँ फोटो लगी हुई है, वो मैं उनके चरणों में ये शिक्षा लाभ की है। बहुत महान इंसान थे, बहुत बड़े परिवार से थे, राजे महाराजों के ये रिश्तेदार थे। पूज्य भगवान की सेवा उन्होंने 8.5 साल की, तो श्योक ग्रंथ सिंह जी थे वो उन्होंने 6.5 साल तक की। तो श्रीमान ग्रंथ सिंह जी का लिखा था मैंने, उन्होंने लिखा पूज्य भगवान ने कि श्रीमान ग्रंथ सिंह ने कि गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और कहा ग्रंथ सिंह हम देवशास्त्र पहला खंड लिख रहे हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने पहला खंड नेचर तत्व को फिलासफी ऑफ नेचर जिस ढंग से हम लिख रहे हैं किसी ने लिखा नहीं है, इसलिए उससे हमारा जो है ब्रेन जो है वो थक गया है, हमें लगता है कि हमें कहीं नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन ना हो जाए फिर, इसलिए चाबियां पूज्य भगवान उठे, चाबियां निकाली अलमारियों से और कहा ग्रंथ सिंह ये चाबियां 2 दिन के लिए हमें नहीं देनी, बेशक हम तलब भी करें तब भी तुमने नहीं देनी। कहते हैं दूसरों के काम आते हुए, दूसरों की भलाई करते हुए हम अगर मृत्यु भी प्राप्त कर जाए तो हम शांति से जा सकेंगे, ये स्वभाव था। वो तो बहुत लंबी कथा है, उसकी मैं सारी में नहीं जाऊंगा। इसलिए पूज्य भगवान ने जो दूसरों के लिए काम किया, जो दूसरों के लिए कहे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। लोग कहते थे कि इन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है, देव समाज बहुत बड़ी थी, मंटगुमरी में लाहौर में कई एकड़ में देव समाज का हेडक्वार्टर था, स्कूल कॉलेज उधर भी थे इधर भी थे, पार्टीशन हो गई तो लोग कहते थे कि ये सारा कुछ अपने बच्चों को दे जाएंगे। पूज्य भगवान उनमें नहीं थे, हर एक के साथ शुभ मुलक संबंध रखते थे, बच्चों के साथ भी शुभ मुलक संबंध रखा, दूसरा कोई संतान अनुराग का संबंध नहीं था। उनकी सुपुत्री थी विकास देवी जी, उनको पढ़ाया, लाहौर में शिक्षा दी, घोड़सवारी सिखाई, सारा कुछ ही किया, और जब वो स्कूल में टीचर लग गई नॉर्मल करके तो पूज्य भगवान सैर को जाते हुए पूछा, विकास देवी जी, बच्चों को भी जी कह के बुलाते थे, विकास देवी जी कि स्वार्थ किसको कहते हैं,
अरे ऐसा कोई बाप होता है जो लड़की को ये बात कह रहा है? लड़की है तो नाक में जिंद पैदा कर दे कि ये क्या बात है, आप किसको देना चाहते हैं? जो सो विकास देव जी स्वार्थ किसको कहते हैं, उनकी लड़की थी, कहा महाराज अपने सुख को मुकरा कर जीना। कहते ठीक है। कहते तुम पैसे कमाती हो, स्कूल में जाती हो? कहते हाँ महाराज। घर रसोई में कंट्रीब्यूट करती हो? अरे हम तो जहेज देने होते हैं, सारा कुछ हमने करना होता है। अब गुरु मारे हमें तो जो गुरु कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, यही धर्म है। जो गुरु ने किया वो ही करेंगे तो धर्म है, वरना धर्म नहीं है हमारे जीवन में। तो पूज्य भगवान ने उनसे कहा आप बात सुने मेरी, कल से आप या रोटी में पैसे देंगी या रोटी बाहर से खाएंगी। देवात्मा थे तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो वो फिर लाहौर ये मोगा स्कूल जो है इसमें प्लेग पड़ गई। मोगा स्कूल जो है उनको बने हुए 10 साल ही सिर्फ हुए थे, तो वहां प्लेग पड़ी। पूज्य भगवान ने अपने बच्चे वहां पढ़ाए। पूज्य भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने देशमा स्कूल की स्थापना की है, मेरे बच्चे तो वलैत में पढ़ेंगे। अरे जो गुरु हैं बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते फिर स्कूलों में। पूज्य भगवान थे, अपने बच्चे यहाँ पढ़ा। मेरे बच्चे मैंने दोनों देशमा स्कूलों में पढ़ाए, इसलिए उसकी प्रोडक्ट का उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। कल सभी बोलती थी अग्नि।